अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम तो इस एग्जांपल में एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका वजन पांच किलो है और वो फोर्स दो सेकंड की ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती है तो इस फोर्स के कारण उसकी वेलोसिटी थ्री मीटर पर सेकेंड से सात मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो अब हमें पता करना है कि जो फोर्स अप्लाई किया गया उसका मैग्निच्यूड कितना है एक तो फर्स्ट ये है और सेकंड पार्ट में है कि अगर फोर्स पांच सेकंड तक अप्लाई लगातार की जाए क्योंकि अभी ऊपर वाले इसी एग्जांपल में तो दो सेकंड तक था उस फोर्स को अगर हम दो सेकंड की जगह पांच सेकंड तक अप्लाई करें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी तो ये क्वेश्चन है तो इसमें हमें दे क्या क्या रखा है एक तो इनिशियल विलॉसिटी दे रखी है हमें यू थ्री मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलॉसिटी दे रखी है सेवन मीटर पर सेकेंड टाइम है वो टू सेकंड दे रखा है मास ऑब्जेक्ट का 5 केजी है तो हमें पता है कि फोर्स जो न्यूटन सेकंड ला कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन है कि चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम और मल्टीप्लाई भी मास करेंगे तो फोर्स ये इक्वेशन बन जाती है तो इसके अंदर हमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो डायरेक्टली हमें फोर्स पता लग जाएगी। न्यूटन आ गई सेकेंड पार्ट के अंदर हमारा जो टाइम है वो टू सेकेंड की जगह फाइव सेकेंड है और हमने फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं वी कैलकुलेट करनी है। तो इसी इक्वेशन को हम चेंज करें जो टी ऊपर आ गया फोर्स फोर्स uh, के साथ एम नीचे आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को और यू उस तरफ आ जाएगा टू यू प्लस फोर्स इन टू टेन डिवाइड बाई एम हो जाएगा तो इसमें जब हम हमें यू भी पता है इनिशियल वेलोसिटी फोर्स भी पता है टाइम भी पता है और जो मास भी पता है तो ये सब जब हम इसमें डालेंगे तो हम हमें फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी थर्टीन मीटर पर सेकेंड और एक और अगले एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर बोला गया है कि कि दो फोर्स मतलब किस कौन सी फोर्स ज्यादा है या तो दो के जी जो मास है उसको हमने एक्सलरेट करना है फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के तक या फिर हमारे पास दूसरा जो वेट है वो है फोर के जी मास का उसको हमने टू मीटर पर सेकंड तक एक्सलरेट करना है तो इन दोनों में से कौन से चीज में ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी तो इसमें हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में मास पता है एक्सेलरेशन पता है तो फोर्स आ गई टेन न्यूटन सेकंड केस के अंदर मास और एक्सेलरेशन को फोर और टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो एट न्यूटन तो फर्स्ट केस के अंदर टेन न्यूटन लग रही है ज्यादा तो ये हमें इससे क्लियर हो गया इस अगले एग्जाम्पल में एक मोटर कार है जो 108 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे चल रही है और जब ब्रेक लगाते हैं तो चार सेकंड लगते हैं उसको रुकने के लिए तो अब हमें कैलकुलेट करनी है कि फोर्स कितनी लग, लगानी पड़ी ब्रेक्स को रुकने के लिए और मास दिया गया हमें गाड़ी का पैसेंजर समेत थाउजेंड के तो इसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है यू की कि 108 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 108 किलोमीटर पर आर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया थाउजेंड मीटर डिवाइड बाई आर को सेकंड में किया सिक्स मल्टीप्लाई बाई स मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी मिनट तो ये आर हो गया तो 100 इससे हमें 30 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड पता लग गई जो थी फाइनल वेलोसिटी गाड़ी की है क्योंकि रुक गई थी तो वी भी हमें पता है जीरो मीटर पर सेकंड। इसके अलावा हमें मास दे रखा है टोटल गाड़ी का वो है थाउजेंड के टाइम कितना लगा रुकने के लिए फोर सेकेंड तो जो हमारा फार्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम v डिवाइड भी लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ विलोसिटी तो इसके अंदर हम ये सारी चीजें जब डालेंगे तो फाइनल थाउजेंड के जी मास मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में फाइनल विलोसिटी u माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30 और डिवाइड बाई 4 जो टाइम है तो इससे नेगेटिव के अंदर आया हमारे पास 7500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो न्यूटन के बराबर है तो माइनस सेवनटीन न्यूटन नेगेटिव का मतलब है कि जो एक्सलरेशन है वो विलोसिटी के ऑपोजिट साइड में है जो मोशन के ऑपोजिट साइड में इसलिए नेगेटिव में ही लिखा जाएगा इसके को। इस अगली एग्जाम्पल में हमें जो है है एक फोर्स न्यूटन की लग रही मास के ऊपर जिसके कारण उसकी एक्सलरेशन टेन मीटर पर सेकंड स्क्वेयर है एक और मास है हमारा एम टू उस पर फोर्स लग रही है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्र तो अगर ये दोनों मास एम वन एम टू को इकट्ठा कर दिया जाए और उस पर सेम फोर्स लगाई जाए फाइव न्यूटन की तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी ये कैलकुलेट करनी है हमें तो ये देखते हैं तो मास, तो मास वन के उस केस के अंदर क्या होगा ये एक्सेलेशन नीचे आ गई तो एम वन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एक्सलेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट वन तो ऐसे ही मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट तो ये हमारे पास एक्सलेशन हमें पता है फर्स्ट की सेकेंड की और फोर्स भी पता है तो एम वन हमारा हो जाएगा मास वन uh, निकल गया ऐसे ही मास टू है वो फोर्स पता है फाइव न्यूटन और सेकेंड की एक्सेलेशन ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है तो ये भी मास टू भी निकल गया तो हमें दोनों पता लग गए इस इक्वेशन से अलग अलग निकाल लिए मास वन और मास टू तो दोनों मास हम ऐड करेंगे तो हमें पता लग गया कि 0.75 किलोग्राम मास बन गया टोटल तो, तो, तो अब एक्सलेशन दोबारा निकाल सकते हैं क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है 5 न्यूटन तो फोर्स इज इक्वल टू तो मास इनटू एक्सलेशन एक्सेलरेशन तो एक्सलेशन हमारी इस फॉर्मूला से दोबारा निकल जाएगी हमें फोर्स पता है पांच फाइव न्यूटन है मास है kg, तो मीटर पर सेकेंड स्क्सेलेशन निकाल लिया हमने तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है हमें नीचे बॉल का तो बॉल जो है ये बीस ग्राम की बॉल है वो एक स्ट्रेट लाइन में एक टेबल पे चल रही है तो ये ग्राफ में दे रखा है उसका टाइम का कि जब के अंदर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड थी और 10 सेकंड के बाद ये टाइम है वो उसकी विलॉसिटी जीरो हो गई तो हमें फोर्स जो टेबल, की जो है, उसको टेबल ने रोका तो टेबल की जो फ्रिक्शन की फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है तो इनिशियल विलॉसिटी हमें पता है कि ट्वेंटी दिख रही है ग्राफ के अंदर ट्वेंटी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्केयर थी फाइनल विलॉसिटी भी वी पता है हमें कि जीरो है टाइम हमें दिख रहा है यहाँ पे जीरो से लेके टेन सेकंड के अंदर ये सब हुआ तो टेन सेकेंड टाइम है तो हम एक्सलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सलेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम तो फाइनल वेलोसिटी जीरो इनिशियल वेलोसिटी ट्वेंटी क्योंकि यहां से टाइम शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ तो ये फाइनल वेलोसिटी और जब शुरू हुआ था इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो माइनस ट्वेंटी Divide by time total 10 seconds लगे यहां से दिख रहा है आपको जीरो से लेकर तो तो माइनस इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो एक्सलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है मोशन से फोर्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी फोर्स है मास इंटू एक्सलरेशन मास ट्वेंटी के हमें पता है और इस के को क्योंकि ऊपर ग्राम ये आ, मास जो है ट्वेंटी के नहीं है ग्राम्स है तो ग्राम्स को के में कन्वर्ट कर लिया ग्राम डिवाइड ग्रामीण के जी बन गया वो मल्टीप्लाई बाई एक्सलेशन हमने ऊपर कैलकुलेट करिए माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू मीटर पर सेकेंड तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जीरो पॉइंट जीरो 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 फोर न्यूटन ये फोर्स हमें पता लग गई इसमें भी नेगेटिव जो फोर्स दिख रही है वो इसलिए दिख रही है कि जो फोर्स जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है तो नेगेटिव डायरेक्शन में हमें दिखेगी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आप जानते हैं जो पहली दो लॉज थी उसमें हमने देखा कि एक तो फोर्स कैसे चेंज कर सकती है मोशन एक ऑब्जेक्ट का और दूसरे में जाना हम फोर्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं मास और एक्सेलरेशन से कैसे उस रिलेटेड है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम जानेंगे कि हम जब कोई फोर्स किसी चीज पे एग्जर्ट करी जाती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट भी वापस एक फोर्स एग्जर्ट करती है पहली चीज के ऊपर तो ये दो फोर्सेस होती हैं ये जो आपस में मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है और ये दोनों फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेंगी जैसे हम फुटबॉल की गेम का एग्जाम्पल देते हैं कि फुटबॉल में दो खिलाड़ी दौड़ रहे हैं तो आपस में टकराते हैं तो दोनों को चोट लगती है क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं अगर एक खड़ा भी हो और दूसरा चलता उससे टकराएगा दौड़ते हुए तो भी दोनों को ही चोट लगेगी क्योंकि तब भी दोनों एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें हमने दो स्प्रिंग लिए हैं जैसे इस उसमें दिख रहा है एक दीवार से बांध दिया जो बीस स्प्रिंग है और ए जो स्प्रिंग है उसको हम हाथ से खींच रहे हैं तो जब हम ये खींचेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों जो स्केल हैं इन दोनों स्प्रिंग्स के ऊपर वो बराबर ही रीडिंग आएगी जैसे इसमें भी फोर यूनिट दिख रही है इसमें भी फोर यूनिट दिख रही है तो मतलब जो ए को हम जितना खींचने में जोर लगा रहे हैं इस तरीके तरफ से उस उतना ही वापस जो वॉल है बी वो भी उतनी ही फोर्स उस डायरेक्शन में भी लग रही है तो जो हमने ए पे फोर्स लगाई वो एक्शन है और दूसरी तरफ बी की तरफ जो फोर्स लग रही है वो रिएक्शन है तो इससे हमें ये दिख इससे हमें ये समझ में आया कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता लगा कि कोई भी जो एक्शन है उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है और ये दोनों एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है अब जैसे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं अब रोड के ऊपर मान लो हम खड़े हैं हमने आगे की तरफ चलना है तो हम क्या करेंगे हम पाओ से जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं अपने मसल से तो क्या जमीन पीछे को चली जाती है जमीन तो वहीं पे खड़ी है तो जमीन हम पे हम जब जमीन को पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो जमीन हम पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्ट करती है जिससे कि हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में जिसके कारण हम आगे चल पाते हैं एक और इंटरेस्टिंग जो चीज है ये मैग्नीच्यूड एक्शन और रिएक्शन वाली जो फोर्सेज हैं इनका तो इक्वल होता है दोनों मैग्नीच्यूड दोनों फोर्सिस का सेम होगा लेकिन इन फोर्सेज के कारण जो एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उनका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है दोनों का बराबर हो अगर दोनों जो चीजों का ऑब्जेक्ट्स का मास अलग अलग हो इसको एग्जाम्पल देखते हैं जैसे एक गन है जब गन से हम बुलेट फायर करते हैं तो गन बुलेट आगे की तरफ जाएगी गन पीछे की तरफ रिकॉयल करेगी पीछे की तरफ झटका मारेगी अब बुलेट की एक्सलरेशन तो बहुत ज्यादा है लेकिन क्योंकि बुलेट का वजन कम है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और मास कम है गन का मास कम है और वेलोसिटी बहुत कम होगी पीछे को तो गन की एक्सलरेशन भी पीछे की तरफ बड़ी कम होगी तो दोनों फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो तो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं लेकिन इनसे एक्सलरेशन अलग अलग प्रोड्यूस हो रही है एक और एग्जाम्पल है जैसे हम जो बोट से ऐसे पुश करके साइड की तरफ छलांग मारेंगे तो हम देखेंगे कि हम इस तरफ जा रहे हैं तो बोट भी उसके ऑपोजिट साइड मूव करेगी तो ये फोर्सेस भी इक्वल एंड ऑपोजिट हैं और ये डिपेंड करेगा कि आदमी का कितना मास है और बोट का कितना मास है उस हिसाब से वो कम या ज्यादा दूर जाएंगे तो एक ये एग्जाम एक्टिविटी करते हैं दो स्टूडेंट्स दो बच्चे जो हैं वो दो सेपरेट कार्ड्स के ऊपर खड़े हो जाएंगे इस तरीके से ये लकड़ी के बना रखे हैं बोर्ड के कार्डबोर्ड जो होता है उसके नीचे टायर लगा रखे हैं तो उस उसपे खड़े हो जाएंगे और एक बैग में मिट्टी भर लो या और कोई भारी चीज ले लो जो वजन में हल्की हो अब ये एक जना दूसरे को ऐसे पकड़ाएगा थ्रो करेगा थोड़ा सा ताकि चोट भी ना लगे और कैच कर ले तो उससे हम देखें क्या इफेक्ट होगा तो ये देखेंगे जब एक जना फेंकेगा तो जैसे ये वजन जो आगे की तरफ जाएगा जो सैंड है या जो भी वजन है तो कार्ट उसके ऑपोजिट मूव करेगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण मतलब क्योंकि एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो इसमें जो ये कार्डबोर्ड आप बना सकते हो प्लाई बोर्ड से बना सकते हो 50 बाई 100 सेंटीमीटर का और इसमें बाल बेरिंग के व्हील लगा सकते हो नीचे स्केट व्हील्स भी काम दे देंगे स्केट बोर्ड इसमें ज्यादा कामयाब नहीं होते क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते तो इसमें आप मार्क कर सकते हो वाइट लाइन की कितना मूव किया इस एक्टिविटी को करके देखा जा सकता है स्कूल में भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जानते हैं सपोज दो बॉल्स हैं हमारे पास ए और बी ए का सपोज मास है, बी का B, और वो इनिशियल वेलोसिटी से जा रही थी ए बॉल, बॉल और यू बी से जा रही है बी बॉल ये आपस में दोनों टकराती हैं, दोनों एक दूसरे पे जब टकराएंगी मान लो सपोज टी टाइम के लिए टकराती हैं तो फोर्स एक्सर्ट करेंगी जो ए ने एक्टर्ट किया फोर्स उसको हम नाम देते हैं एफ ए बी जो बी ने एग्जर्ट किया ए पे फोर्स उसको नाम देते एफ बी ए और उसके बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी टकराने के बाद तो हम कह बोलते हैं सपोज कि एम ए का जो मास ए ऑब्जेक्ट थी उसकी फाइनल वेलोसिटी वी ए हो गई और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट बी थी उसकी आफ्टर क्लोजन वेलोसिटी वी बी हो गई तो इसका ये देखते हैं कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था ए ऑब्जेक्ट का वो था मास इनटू वेलोसिटी मतलब एम ए मल्टीप्लाई बाय यू ए और आफ्टर कोलिजन हो गया एम ए और वी ए क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है तो ये दोनों मोमेंटम आ गए इसका तो फोर्स जो इसने ए बी अप्लाई की एफ ए बी वो कितनी होगी उसको कैलकुलेट करते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन Uh, होता है वेलोसिटी चेंज इन विलोसिटी डिवाइड बाय टाइम तो हमें ये मिल गया जो फोर्स है वो एम ए मास हो गया चेंज इन विलोसिटी वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाई टाइम टी तो ये एफ ए बी हमें पता लग गया ऐसे ही एफ बी ए बी जो निकालेंगे वो भी ऐसे निकलेगा एम बी मास बी ऑब्जेक्ट का उसकी फाइनल विलोसिटी वी इनिशियल विलोसिटी यू बी डिवाइड टाइम अब दोनों फोर्स हमें पता लगी एफ एफ बी ए और एफ ए बी और इसमें अब हमें पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो टू एवरी एक्शन देर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इसका मतलब जो दोनों FAB, ये दोनों फोर्सेस हैं एफ बी ए और एफ ए बी ये इक्वल होनी चाहिए तो एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ 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 इक्वल टू माइनस एफ बी ए माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता है कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है एक ही डायरेक्शन में होती तो माइनस साइन ना होता क्योंकि ऑपोजिट है तो माइनस साइन भी आएगा तो इसको हमने वैल्यू एफ बी ए बी की और एफ बी ए की वैल्यूज़ इसमें दोनों डाली हैं तो ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को तो बन जाएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी वी बी मतलब मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट उसका इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम बी ऑब्जेक्ट का इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बी ऑब्जेक्ट तो इसमें हमें दिख रहा है कि जो टोटल मोमेंटम uh, था ए और बी ऑब्जेक्ट का वो इक्वल है उसके फाइनल uh, मोमेंटम जो दोनों का है, जो सम है उसके बराबर मतलब कि कोलिजन के बाद अगर कोई अन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग रही हो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर तो उसका इनिशियल मोमेंटम दोनों का फाइनल मोमेंटम के बराबर है तो इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी मोमेंटम बोलते हैं तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल मोमेंटम दो ऑब्जेक्ट्स का चेंज नहीं होगा या कंजर्व रहेगा उनके टकराने से और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उन दोनों पे नहीं लगती है एक एक्टिविटी करते हैं एक रबड़ का बैलून लेते हैं उसे उसमें हवा भर के उसको बांध देते हैं थ्रेड से धागे से और एक इस तरह नीचे जैसे दिखा रखा है कि स्ट्रॉ ली हमने स्ट्रॉ जैसे जिसमें से हम पानी पीते, या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उस स्ट्रॉ के बीच में से धागा निकाला और ऐसे उसको दो दोनों तरफ बांध दिया कहीं दीवार के ऊपर स्ट्रॉ को और स्ट्रॉ के साथ इस गुब्बारे को भी हमने <coughs> मतलब जोड़ दिया टेप से किसी तरीके से अब एक दीवार के पास ले जाके उस गुब्बारे की जो पीछे हमने बांध रखी थी हवा हवा रोकने के लिए धागा उसे एकदम खोल दीजिए और देखिए गुब्बारा स्ट्रॉक के साथ दूसरी तरफ भागेगा तो ये एक्टिविटी आप करके देखिए इससे हमें क्या पता लगा कि गुब्बारे की जो हवा इस तरफ निकल रही है तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या हो रहा है कि गुब्बारा दूसरी तरफ जा रहा है हवा निकलने का जो एक्शन है उसका रिएक्शन ये हो रहा है कि गुब्बारा दूसरी तरफ जा रहा है एक और एक्टिविटी करते हैं इस एक्टिविटी में हमने ग्लास ट्यूब ली और उसमें पानी डाला थोड़ा सा और ऊपर से कॉर्क से बंद कर दिया हमने टेस्ट टेस टेस ट्यूब को और उसको धागे से हमने बांध दिया ऐसे जिस ये जो नीचे फिगर में दिखा रखा है और नीचे हमने उसे बर्नर से उसको गर्म करना शुरू किया जब तक वाटर वेपर्स बनेंगे तो हम थोड़ी देर में देखेंगे जब वाटर वेपर्स का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो कॉर्क निकल के दूर दूसरी तरफ जाएगी और जो टेस्ट ट्यूब है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाएगी कॉर्क आगे की तरफ जाएगी टेस्ट ट्यूब पीछे की तरफ जाएगी और आप इस टाइम दोनों के विलोसिटी में भी डिफरेंस देखेंगे कि कॉर्क बड़ी तेजी से गई और टेस्ट ट्यूब धीरे आएगी क्योंकि टेस्ट ट्यूब का वजन ज्यादा था तो वो थोड़ी धीरे आएगी कॉर का वजन हल्का था तो वो ज्यादा तेजी से जाएगी तो एक एग्जाम्पल करते हैं हमारे पास एक बुलेट है 20 ग्राम की और इसको हमने हॉरिजोंटल हॉरिजोंटली फायर फायर किया और इसकी जो विलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड से ये फायर हुई है तो पिस्टल का वजन है वो है मास जो है 2 के जी तो हमने रिकॉयल विलॉसिटी कैलकुलेट करनी है पीछे की तरफ पिस्टल पीछे की तरफ जो झटका मारी तो उसकी विलॉसिटी क्या है ये कैलकुलेट करनी है तो हमें मास दे रखा है बुलेट का मास 20 ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए थाउजेंड से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट जीरो टू के जी बन गया पिस्टल का मास दे रखा है एम टू टू के जी इनिशियल विलोसिटी हमें पता है कि दोनों चीजों बुलेट और पिस्टल की इनिशियल विलोसिटी यू वन जीरो थी और U2 पिस्टल की भी जीरो थी U1 भी और U2 दोनों जीरो हैं फाइनल वेलोसिटी हमें बुलेट की बताई गई है 150 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन बुलेट की लेफ्ट से राइट थी पॉजिटिव उसे हम लेते हैं तो अब मोमेंटम कैलकुलेट हमें यह पता है कि टोटल मोमेंटा ऑफ पिस्टल प्लस बुलेट शुरू में और बाद में इक्वल होना चाहिए तो बुलेट फायर करने से पहले कितना मोमेंटम था एम वन यू वन प्लस M2, तो तो की जीरो थी तो वो बाहर ले लिया मल्टीप्लाई जीरो. तो जीरो करने के कारण जीरो ही है मतलब इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम देखते हैं कितना होगा फाइनल मोमेंटम है जो दोनों v2 मास जो था आ, उस उस बाद का जो उसमें जीरो पॉइंट बुलेट का मास प्लस बुलेट की स्पीड प्लस पिस्टल का मास मल्टीप्लाई बाय पिस्टल की फाइनल स्पीड तो ये इस, इससे हमें आ गया 3 2v इसको सिंपलीफाई करके तो अब हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण दोनों सेम होना चाहिए तो ये आ गया टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायर मतलब ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू फर्स्ट वन थ्री प्लस टू वी इज इक्वल टू जीरो इसमें से वी निकल जाएगा हमारे पास नेगेटिव में 1.5 मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बुलेट है जिस डायरेक्शन में गई थी जो पिस्टल है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसमें एक जो लड़की है 40 के जी वजन है उसका वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जा रही है मतलब पांच मीटर पर सेकंड से और एक कार्ट सामने स्टेशनरी कार्ट खड़ा है फ्रिक्शन जिसके व्हील हैं और उसका मास 3 के जी है तो अब उसका हमें वेलोसिटी निकालनी है फाइनल विलोसिटी जिसके ऊपर कार्ट मूव करने लग जाएगा हमें ये बताया गया है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही इसमें अभी इसमें जैसे दिखा रखा है पहले ये जो लड़की थी ये 40 के जी वजन है इसका और 5 मीटर पर सेकंड से राइट साइड में जा रही है कार्ट खड़ा था कार्ट का वजन 3 के जी है उसके बाद ये कार्ट के ऊपर एकदम आ गई और आगे की तरफ चल पड़ी तो अब कार्ट और टोटल वजन इनका फोर्टी थ्री हो गया तो अब हमें विलोस्टी निकालनी है कि ये कार्ट किस डायरेक्शन से आगे जा रहा होगा अब लड़की और कार्ट एक ही वेलोसिटी से आगे वी, वी फाइनल है ये हमें कैलकुलेट करनी है तो हम सपोज लिखते हैं कि वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं जो लड़की का और कार्ट का एम वन वी वन प्लस एम एम टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू तो मास जो है वो लड़की का 40 केजी मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी थी 5 प्लस कार्ट का वजन 3 केजी प्लस उसका वेलोसिटी कार्ट तो खड़ा था तो जीरो तो टोटल इससे हमें आ गया 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये इनिशियल वेलोसिटी थी और ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी जो m2 प्लस एम 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 वन प्लस वी वन प्लस एम टू प्लस वी टू ये फाइनल क्योंकि दोनों जो दोनों की सेम है तो वी टू और वी वन और वी टू बराबर है तो उसको वी से ही डिनोट कर रहे हैं मास वेलोसिटी बाहर चलेगी अंदर मास जो हम प्लस कर सकते हैं तो 43 थ्री वी जो है फाइनल मोमेंटम आ गया क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्व बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम जो है वो इक्वल होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के तो फोर्टी थ्री वी इज इक्वल टू टू हंड्रेड वी इससे कैलकुलेट करेंगे हम तो निकलेगा फोर पॉइंट सिक्स सेवन मीटर पर सेकेंड तो कार्ट और जो लड़की है वो फोर पॉइंट सिक्स फाइव मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन से जा रहे हैं ये हमें इससे पता लगा तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं ये हॉकी खेल रहे हैं दो जो प्लेयर्स हैं तो एक फर्स्ट प्लेयर जो है उसका वजन 60 के जी है और वो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की तरफ से आगे जा रहा है और जो सेकंड प्लेयर है उसका वजन 55 फाइव के जी है और वो 6 मीटर पर सेकंड की तरफ से इस तरफ आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तो अब ये आपस में दोनों टकराते हैं और टकराने के बाद हमें कैलकुलेट करना है कि, कि किस विलासिटी से किस तरफ जाते हैं एक तो विलासिटी कैलकुलेट करनी है हमें और ये हम एज्यूम करते हैं कि जो ग्राउंड के ऊपर इनकी फ्रिक्शन है वो जीरो है हाँ तो इसको इस तरीके से करते हैं एक तो जो ग्राफ के अंदर क्योंकि राइट साइड को जो चीज जाती है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं जो लेफ्ट साइड जो चीज मूव कर रही है उसको नेगेटिव ले लेते हैं नेगेटिव साइन ले लेंगे तो इसमें हमें Uh, uh, मान लीजिए मास दोनों को M है और U से उनकी इनिशियल स्पीड रिप्रेजेंट करते हैं तो मास वन जो प्लेयर का है वो 60 के है और इसकी इनिशियल स्पीड क्योंकि वो राइट साइड में जा रहा है इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर तो उसको 5 मीटर पर सेकंड लेते हैं ऐसे ही मास दूसरे का 55 फाइव के और स्पीड क्योंकि वो उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है तो एक इसकी स्पीड हम नेगेटिव लेते हैं माइनस सिक्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं वो है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू तो सिक्सटी के जी मल्टीप्लाई बाई प्लस फाइव फिफ्टी फाइव के जी मल्टीप्लाई माइनस सिक्स कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव इसमें आया मोमेंटम माइनस थर्टी के जी मीटर पर सेकेंड और सपोज फाइनल जो विलोसिटी है ये दोनों एंटेंगल हो गए तो एक विलोसिटी वी से किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा एम वन वी वन प्लस वी वन वी टू बराबर ही है एक ही डायरेक्शन में जाएंगे एंटेंगल होने के बाद तो v बाहर आ गया अंदर m1 वन प्लस एम बचा तो ये हम क्या कैलकुलेट किया वन हंड्रेड आया तो क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम करेंगे तो 115v हंड्रेड इज इक्वल टू जो माइनस थर्टी हमारे पास आया था तो इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस जीरो मीटर पर सेकंड आया माइनस में आया मतलब कि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ ये मूव कर रहे होंगे कोलिजन के बाद मतलब ये जो जो ये राइट right साइड वाला जो जो प्लेयर आया था वो उस उस डायरेक्शन के अंदर ये मूव करेंगे वी तो तो ये फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास लॉज के बारे में हमें पता लगा तो जितनी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो बेशक मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हो एनर्जी का हो या एंगुलर मोमेंटम हो या लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज हो ये सब लॉज हैं तो ये फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स कंसिडर की जाती है ये सब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड तो जो लॉज को हम प्रूव नहीं कर सकते इनको वेरीफाई या डिसअप्रूव कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट से ही तो अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वो इनको कंफर्म करते हैं वेरीफाई करते हैं इन लॉज को सबस्टेंशिएट करते हैं तो अगर ऐसा ना हो तो वो आ, आ, लॉ को माना जाएगा प्रूव नहीं होती तो अभी तक कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं मिला जो इन इन लॉज को करता हो तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेस के बेस ऊपर करीबन 300 साल से ज्यादा हो चुके ये लॉज को फॉर्मुलेट किए हुए और अभी तक कोई एक भी ऐसी चीज हमें नहीं मिली जो इन को इन लॉज को कोई कॉन्ट्राडिक्ट करती हो तो हमारी डे टू डे लाइफ की काफी चीजें इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के बेसिस पे एक्सप्रेस की जा सकती है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन पे चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे तो ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसके अलावा नेचुरल टेंडेंसी होती है हर ऑब्जेक्ट की कि वो रेजिस्ट करे अपनी स्टेट ऑफ चेंज चाहे वो रेस्ट पे हो या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो रेजिस्ट करती है अपने चेंज ऑफ स्टेट इसको हम इनर्शिया भी कहते हैं और जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली उस इनर्शिया का मेजर है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि, कि किस चीज में जिस चीज का ज्यादा मास होगा उसका ज्यादा इनर्शिया होगा कम मास वाली चीज का कम इनर्शिया होगा तो ऐसा ही यूनिट इसकी के जी है इनर्शिया इनर्शिया की तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा मोशन के अपोज ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगती है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहती है कि जो रेट ऑफ चेंज होगा मोमेंटम का किसी ऑब्जेक्ट का किस, कोई ऑब्जेक्ट है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कि कितनी अनबैलेंस्ड फोर्स उस चीज पे लगाई जा रही है और उसी डायरेक्शन में फोर्स के डायरेक्शन में मतलब कि इसको हम कह सकते हैं द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज डायरेक्टली अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और इसको हम फोर्स का जो एस आई यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसको हम न्यूटन में भी रिप्रेजेंट कर, कर सकते हैं न्यूटन को कैपिटल एन से जो सिंबल है इसका और एक न्यूटन जो है वो इतनी फोर्स है जितनी हमें चाहिए एक किलोग्राम के मास को वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन तक लेके जाने के लिए जितनी फोर्स चाहिए उसको वन न्यूटन कहते हैं जो मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रोडक्ट है उसके मास और विलोस्टी का मतलब उसके मास और विलॉस को मल्टीप्लाई करें तो किसी चीज का मोमेंटम निकाल सकते हैं और इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होती है जो कि विलोस्टी की, की डायरेक्शन होती है और मोमेंटम का ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये जैसे हमें पता है कि मोमेंटम मास और विलॉस है तो मास के जी हैसिटी मीटर पर सेकंड में है तो इस तरीके से किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये ज्यादातर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें अगर पता हो कि उससे किस चीजों से बनके वो मोमेंटम की डेफिनेशन से या फार्मूले याद हो तो ये ऐसा यूनिट्स हम खुद भी निकाल सकते हैं आसानी से जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहती है वो कहती है कि कोई भी एक्शन होता है उसके इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है और ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं और अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व होता है मतलब इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर कोई टकरा रही है तो हमेशा वो उनका जो फाइनल मोमेंटम होगा उसके इक्वल ही होगी